हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एवेंजर्स एंड गेम के 27 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में। यस फ्रेंड्स, 27 दिन यानी के वेडनेसडे तक के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड गाइज, जो सबसे बुरी खबर है ऑब्वियसली सुनानी तो पड़ेगी, आज द लास्ट डे फॉर एवेंजर्स एंड गेम इन चाइना। यस मेरा भाई, टुडे इज द लास्ट डे फॉर एवेंजर्स एंड गेम इन चाइना। अब उनको एक्सटेंशन नहीं देने का मन किया चाइना में, एंड 30 दिन खत्म करने के बाद एवेंजर्स एंड गेम विल बी आउट ऑफ द रेस एट द बॉक्स ऑफिस इन चाइना। एंड गाइस, सरप्राइजिंग बात यह है कि अपने लास्ट डे पर चाइना में एवेंजर्स एंड गेम बीट्स पिकाचू एंड गोज टू नंबर वन पोजिशन। जस्ट इमेजिन द पावर ऑफ दिस फिल्म के आज आखिरी दिन है, लोगों को पता है देश में आखिरी दिन है फिल्म का और लोग जा रहे हैं वापस से इसको आईमैक्स और 3D में एंजॉय करने, क्योंकि उनको पता है वापस से रीरन मिलेगा नहीं इस फिल्म को। गाइस चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाइना में ये वो फर्स्ट इंपोर्ट फिल्म बन जाती है जिसने 400 मिलियन, 500 मिलियन और 600 मिलियन का आंकड़ा पार किया। एंड इन टोटैलिटी एवेंजर्स एंड गेम बिकम्स द थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ चाइनीज बॉक्स ऑफिस। ऑब्वियसली वुल्फ वॉरियर 2 नंबर 1 पे है 840 मिलियन कमाकर। उसके बाद वॉन्डरिंग अर्थ है जिसने 692 यानी कि 692 मिलियन कमाया था। एंड नंबर 3 पे एवेंजर्स एंड गेम है जिसने अपने लाइफ टाइम में 615 मिलियन यानी कि रुपए में कन्वर्ट करे तो 4285 करोड़ यानी कि 4285 करोड़ की कमाई की है 30 दिनों में इन द कंट्री ऑफ चाइना। वेल फ्रेंड्स, ये बात तो हो गई चाइना की, अब आते हैं विश्व भर की कमाई पर। विश्व भर की बात करें तो गाइस, डोमेस्टिक यानी कि इसके नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के टेरिटरीज में इस फिल्म ने 777.4 मिलियन यानी कि 7787.4 मिलियन, जिसे अगर हम रुपए में कन्वर्ट करें तो वो होता है 5416 यानी कि 5416 करोड़ इसने अपने 27 दिनों में खत्म कर दिया है। इंटरनेशनली इस फिल्म ने 1.85 यानी कि 1.85 बिलियन, इसका अगर रुपए में कन्वर्जन करें तो वो होता है 12,890 यानी कि 12,890 करोड़ रुपीस इस फिल्म ने कमा लिया है। अब बात करें ग्लोबली तो होल योर ब्रेथ्स मेरा भाई, 2.63 बिलियन डॉलर्स यानी कि 18,325 करोड़ यानी कि 18,325 करोड़ वर्ड एवेंजर्स एंड गेम हैज अर्न इन 27 डेज एट द ग्लोबल बॉक्स ऑफिस इंक्लूडिंग अ 30 डेज कलेक्शन ऑफ चाइना। लेकिन अब बात करें इसके एवटार के रिकॉर्ड की तो गाइस, पहली बार इतना क्लोज आ गया है एवटार से, बस अब 1,000 करोड़ और चाहिए। सुनने में 1,000 करोड़ ज्यादा लगता है, लेकिन ये वीकेंड डिसाइड करेगा कि कितने जल्दी ये फिल्म जाके एवटार का रिकॉर्ड तोड़ेगी। एवटार 2.78 बिलियन थी, जिसका अगर रुपए में कन्वर्जन करूं तो आज के रेट के हिसाब से 19,370 यानी कि 19,370 करोड़ होता है, यानी कि लगभग इसे 1,040 करोड़ और चाहिए। 1,040 करोड़ मोर इज व्हाट एंड गेम रिक्वायर्स टू स्मैश एवटार रिकॉर्ड। ट्रेड पंडित वहां पे यूएस में जितनी भी साइट्स है वो ये कह रही है कि ये रिकॉर्ड लगभग 20 जून तक यानी के जो वीकेंड स्टार्ट होगा 21 जून का उससे पहले ये टूट जाएगा, यानी के 20 जून का प्रेडिक्शन दिया है। हम यही रहेंगे, आप भी यही रहेंगे, लेट्स सी गाइस 20 जून तक ये तोड़ पाती है नहीं। लेकिन इस वीकेंड में एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि कितना और जाएगा और कितना कम करोड़ बचेंगे एवटार का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए। वेल फ्रेंड्स, चाइना न होने के कारण इसका एक बहुत ही स्ट्रांग मार्केट है जो खत्म हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली इसके कलेक्शन में बहुत फर्क पड़ता है। सो गाइस, एपिसोड पसंद आए प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एज प्रॉमिस्ड, मैंने ऑलमोस्ट एक महीने तक एवेंजर्स एंड गेम को ट्रैक किया है जो किसी भी चैनल ने नहीं किया है, और जब तक ये फिल्म अपना लाइफ टाइम खत्म नहीं करेगी मैं ट्रैक करते रहूंगा। That's a promise. It's me, Amar Ansari, signing off. You're going to see me very soon. Till then, as always, stay cool, man.